अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सब के? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सो आई जस्ट वांट टू शो यू दिस दैट मुल्तान वेदर इंतहा का ज़बरदस्त हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं कि बारिश, ग्रीनरी एंड ऑसम वेदर। आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है और बच्चों ने फुल अभी बारिश में इंजॉय किया है, बच्चों ने नहाया है और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो बारिश हो गई है। और आज यहाँ पर दिन तक इतना, एक 5 बजे तक ऐसा टेम्परेचर था कि किचन में एक मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है और इतना ज़बरदस्त मौसम है कि माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र है कि बारिश हुई। और रात को ही मेरे हस्बैंड ने, उनको ना अब गाड़ी साफ़ करने का एक बहुत एक क्रेज़ होता है ना लोगों को, सिर्फ गाड़ी नहीं, उनको अपनी हर चीज़ चमकाने का, अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखने का बड़ा शौक़ होता है। तो वो अपनी गाड़ी के मामले में बहुत पोजेसिव हैं, गाड़ी के टायर साफ़ करना, गाड़ी वॉश करना, फिर उनको पॉलिश करना। तो आप यकीन माने एट नाइट उन्होंने रात के 1 बजे जो है अपनी गाड़ी ऐसे चमकाई और मैंने इसी बहाने लॉन में पानी दे दिया। और जो है मैंने उनको कहा, मैंने कहा बारिश होगी, अच्छा खैर उन्होंने गाड़ी इतने अच्छे से चमकाई और अब इस वक्त जो बारिश हुई है स्ट्रीट्स में इतना ही पानी भर गया होगा कि बस। ये क्यान साहब वाइपर मारे, क्यान वाइपर मारे। एंड ये देखें जी, ये अता खड़ी है सब बाहर और ये फुल बारिश में जो है ये नहाए हैं, इन्होंने इंजॉय किया है। एंड जस्ट लुक एट द क्यान व्हाट ही इज़ डूइंग। तो बच्चों की बारिश में ये यही हरकत होती हैं। और बेटे अता को ठंड ना लग जाए ले आओ। ये देखें जी अता खड़ी हुई हैं। और जी बच्चों की फरमाइश है कि बच्चे कहते हैं कि जी इतने अच्छे औसम मौसम में जो है वो पकोड़ों का तो बनता ही बनता है कि पकोड़े बनाए जाएं। तो मैंने कहा बेटे वाई नॉट, ओके मैं बनाती हूँ। तो सबार बेटे आपने पकोड़ों का बोला था, क्या बना? ये मुझे पकोड़ों का बोल रहा था। देखें जी अभी भी बादल गरज रहे हैं। हाँ नहीं, मेरे पास तो बेसन ही नहीं है। हाँ। अच्छा तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त लॉन, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। तो एक्चुअली बच्चे जो हैं वो पकौड़ों की फरमाइश कर रहे थे, तो अभी हम लोग जो है मेरे पोर्शन में ऊपर बेसन ख़त्म हुआ हुआ है, तो बस अभी जो है मदर इन लॉ से जो है वो नीचे से बेसन मंगवाया है, बच्चे जो हैं वो आएंगे लेके एंड फिर मैं पकोड़े बनाऊंगी। मेरे ख़्याल में शायद बेसन हो भी, मैंने देखा नहीं है एज सच, बिकॉज मोस्टली तो बेसन हमारा आता ही रमज़ान में है। और मैं देखती हूँ कि बेसन है कि नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि नहीं है, बेसन नहीं है। तो जी बर्तन आज मैंने पहले धो दिए थे, सिर्फ जो है वो एक कुकर रहता है पिछले। अच्छा ये कूलर भी हमने निकाल के रखा है बिकॉज इधर इतनी ज़्यादा हब्स होती है। तो रात को मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड्स वगैरह बैठते हैं, तो हमने कूलर निकाला है स्टोर से ताकि नीचे लॉन में जो है वो कूलर चलाया जाए। तो ये देखें जी, ओके बेटे पुट इन द किचन। ये देखें जी ज़बरदस्त व्यू आपको दिखाते हैं, ये देखें अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू एंड द क्लाउड्स। Just look at the clouds and the birds are sitting over
देयर बर्ड्स जो हैं वो दीवार की उसमें छुप के बैठ जाते हैं बारिश से। तो मौसम तो बहुत आला हो रहा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद भी आ रही होगी कि हम लोगों के बहुत गर्मी होती है जब बारिश होती है। तो मैं कहती हूँ ये हम लोगों की एनेक्सी है। ये मैं पिछले टेरेस से ऊपर से दिखा रही हूँ एंड दिस इज़ द लॉन एरिया। तो ओके जी, तो बच्चे ले आए हैं बेसन। तो फिर क्या कहते हैं जी के पकौड़े। बच्चों ये अपने कपड़े जो उतारे हैं ना इनको फिर संभाल के रखना। ओके जी, बेसन आ चुका है। तो पकोड़े बनाते हैं। देखें जी, खिड़की भी खुली हुई थी, बारिश अंदर आ गई है। और ये देखें जी, ये क्या हाल हुआ है एंड ये क्या हाल हुआ है। पहले तो मैं यहाँ से ये पानी जो है वो करती हूँ। ये देखें जी, इसको सक करते हैं क्योंकि ये चूल्हा है। हाँ जी बेटे, वेयर द शर्ट। बेटे वेयर द शर्ट। आज फ्रॉम योर ग्रैंड मदर कि विल शी ईट पोटैटो और ओनली। ओके ठीक है, क्योंकि जो मेरी सास है वो आलू ज़्यादा वो नहीं खाती हैं, तो बेसन के सिर्फ कभी उनके अलग से बना देते होते हैं। तो चलें जी, अभी बनाते हैं पकोड़े और आपको दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा तो जी, पकोड़े हम बनाने लगे हैं। और पकोड़े जो है वो मैं तो ऐसे ही वाले बनाती हूँ जो बारीक बारीक गोल कट जाते हैं, और बच्चे भी यही वाले शौक से खाते हैं, वो दूसरे वाले नहीं खाते बच्चे शौक से। ठीक है, बच्चों की फरमाइश पे बन रहे हैं। अता भी आ गई हैं एंड अता पकोड़े खाने हैं। अता पकोड़े खाने हैं आपने? ओके 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 अता ओके। ठीक है जी, अता ने भी पकोड़े खाने हैं और बच्चों ने भी पकोड़े खाने हैं। तो ऑयल मैंने चढ़ाया हुआ था, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो बस अभी पकोड़े जो हैं हम चढ़ाएंगे, फ्राई करेंगे और बच्चों को दे देंगे। सिंपल सा जो है वो। अता वेट फॉर अ मिनट बेटे, अभी आपको देते हैं ठीक है, जब बन जाएंगे। ओके था ठीक है था, जब पकोड़े बनेंगे तो फिर आपको खिलाएंगे ठीक है। ठीक है तो अभी आप यहाँ से जाओ, अभी बहुत ज्यादा गर्मी में किचन में खड़े नहीं हो। और अभी बस देखें जी, पकोड़े जो हैं वो आलू मैं छील रही हूँ, और आप लोग भी जिसने पकोड़े खाने हैं वो आ जाएं। मुल्तान में बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है जी। तो ये मैंने बैटर तैयार कर लिया था बेसन का। ये देखें जी, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें रेड चिली, नमक एंड हल्दी, बस इसमें सिर्फ हमने यही डाला है। तो अब हम बनाते हैं पकोड़े और आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो जी, वन बाय वन हम डालते जाएंगे और पकोड़े, फिर हम पकोड़े खाते जाएंगे। तो अब हम, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है बाहर, अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा दबा के हो गई है, गलियों में सही पानी भर गया है। और जिस जिस को हमारी वीडियो पसंद आ रही है वो हमारी वीडियो में, जो नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और प्लीज़ डू सपोर्ट अस। तो देखें जी, जो हमारे चैनल को वीडियोस को हमारी वॉच करता है वो आगे शेयर भी कर दिया करें एंड डू सपोर्ट अस।
और हमारे वीडियोस को जो है वो लाइक किया करें, शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइब के बटन को दबाने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपने ज़रा सा प्रेस करना होता है, ज़रा सा। तो आप हमें सपोर्ट करें। आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आती होंगी जी। हमारी फैमिली ब्लॉगिंग होती है, बच्चों की रूटीन्स होती हैं, सम टाइम किचन की होती है, सम टाइम अबाउट द वेदर एंड दिस एंड दैट। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट जो है वो, और जल्द ही आप लोगों को एक खुशखबरी भी जो है वो मैं दूंगी ज़बरदस्त सी। आप लोगों की बस सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो और आप लोगों की इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो जो है वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाएंगे। आप लोग मोटिवेट किया करें, और मोटिवेशन इसी तरीके से मिल सकती है कि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियोस को आगे शेयर करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पकोड़े भी पसंद आ रहे होंगे जो मैं पकोड़े बना रही हूँ। ये देखें जी, तो बच्चों की फरमाइश पे, जैसे कि बारिश हुई है तो बच्चों ने कहा जी मामा इस मौसम में पकोड़े तो बनते हैं। तो चलिए जी, आपको फिर पकोड़े मुकम्मल बन जाएं तो फिर दिखाते हैं कि बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। तो देखें जी, अदा तो पहले से पकोड़े इंजॉय कर रही हैं, और ये जी हमने पकोड़े बनाए हैं, और कुछ जो है वो हमने बांटे बूंटे भी हैं। सबार जो है इनकी फरमाइश पे बने हैं, अब सबार जो है इसमें केचप डाल के खाएंगे। तो जी ये देखें जी, अता जो है वो जब दूसरी प्लेट आई है तो अता कहती है मुझे वो प्लेट चाहिए, और इसमें बहुत गरम 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 पकोड़े हैं। तो बच्चे जी, आफ्टर द रेन, आफ्टर द वेरी प्लेजेंट वेदर, दे आर इंजॉइंग द पकोड़ा पार्टी। एंड अता का मूड फुल ऑफ है बिकॉज इनको आई हुई है नींद, इनको आई हुई है नींद। सो क्या नाम दे दो, देखो उसका मूड ऑफ हुआ हुआ है। तो अता ने ज़िद करके कैचअप लेना था, और वो जो है आप डाल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। अता अपनी ज़िद पूरी करके छोड़ती हैं। और बच्चों तो बताओ कैसे बने हैं पकोड़े, क्रिस्पी। अता कैसे बने हैं? ओहो, वो देखो बहुत ज़्यादा कैचअप डाल रही है, बस ले लो उसके ऊपर ऐसे लगा लो ना ढक्कन के, वो खोल ही ना सके। अच्छा ये गरम है, ये वाले गरम है। अता यहाँ इस प्लेट से ले लो, इस वाली प्लेट से ले लो। चले जी, मैं भी ज़रा आप लोगों को खा के बताती हूँ। अता मुझे देखो, अता मुझे देखो, आप लोग दे रहे हैं दागा कितना मूड ऑफ हुआ हुआ। आई थिंक शी वॉन्ट्स टू स्लीप, दैट्स वाई शी इज क्राइंग लाइक दिस। अता आप भी पकौड़ा खा के मामा को बताओ कैसा बना है। अता को हमने इतनी मुश्किल से भिलाया, अता बहुत मूडी है। अता को जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो अता रो रो के कहती है बस मुझे दे दो। लाइक जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो अता कहती हैं कि इन्होंने आइसक्रीम खानी है, और मैं कहती हूँ पहले ब्रेकफास्ट। बट जब ये रोना शुरू करती हैं तो फिर मैं हर चीज़ छोड़ के मैं कहती हूँ ना भाई, आइसक्रीम ही खा लो पहले। ऐसे ही होता है ना अता। अता अता का मूड बहुत ऑफ हुआ हुआ है। जिन्होंने पकौड़े खाने हैं वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, वो खा सकते हैं। हमारे पापा अभी भी बहुत सारे पकौड़े हैं। तो और सुनाएं व्यूवर्स,
कुछ गपशप कर लो क्या। गाय देखे पूरा कैटल की लथपथ करके खा रही है। नोजी भी वैसी बह रही है क्योंकि ये जो है ना स्पाइसी है बहुत ज़्यादा। चलो वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। सोच बार आप एंड करेंगे आज। सो हम करते हैं वीडियो को एंड। अता का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था तो इस बार करेंगे अब वीडियो को एंड। तो गाइस आपको पता है कि मुझे पकोड़ो के अलावा कोई नहीं सूझ रही, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ वीडियो एंड करूँगी। तो गाइस आपको पता है मुझे पकोड़ो के अलावा ऐसा कुछ नहीं सूझ रही और अब हम मैं वीडियो एंड करूँगा। हमारे गाइस चैनल को प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। ओके।